हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीपीएससी आयोग की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर। जैसा कि अभी तक जितने भी आरओ एआरओ के एग्जाम होते थे वो हमेशा हमारे दो शिफ्टों में हुआ करते थे, ये आप सभी को पता है, बखूबी पता है। पिछला भी पेपर जो हुआ था वो भी हमारा जो 11 फरवरी को हुआ था वो भी दो शिफ्टों में हुआ था। बट देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आयोग ने स्पष्ट एक नोटिस जारी किया है 30 सितंबर 2024 को, और ये भी शाम के टाइम में ये नोटिस आया है। इस नोटिस में क्या ऐसी बातें दी गई हैं जिनको आप देखकर चौंक सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अर्थात समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 यानी जो री एग्जाम होगा अपना 2023 वाला, उसकी यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और जानकारी लेते हैं तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को लेकर ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र का नाम यानी सामान्य अध्ययन एवं देखिए शब्द लगा हुआ और उसके साथ लिखा हुआ हिंदी, यानी सामान्य ज्ञान का जो पेपर होता है सामान्य अध्ययन वाला और सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है, और उसका जो प्रकार रहेगा वो कैसा रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा। ठीक है, अब प्रश्नों की संख्या यानी जैसे एक यानी एक के माध्यम से होगी। प्रश्नों की संख्या जैसे 100 तो यहाँ पर 200 लिखा हुआ तो 200 के माध्यम से होगी, यानी ऐसे आप समझे कि टोटल जो प्रश्न होंगे अब आपके 200 होंगे एक ही पेपर आएगा आपका। ठीक, यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिया गया है कि प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी, जिसमें 140 प्रश्न जीएस के और 60 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे। और देखिए विस्तार से समझे तो यहाँ पर दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 रहेगा। अभी तक क्या होता था कि प्रश्न पत्र का पूर्णांक 140 आता था और एक दूसरा प्रश्न पत्र होता था उसका पूर्णांक 60 आता था, तो पेपर अलग अलग शिफ्टों में होते थे। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर निर्धारित किया गया कि अब आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे में होगा और एक ही पेपर होगा। जैसा कि आपने देखा है, जैसे आप बात करें बहुत सारे वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें सारे विषय को एक ही पेपर में इंक्लूड किया जाता है, सेम टू सेम आरओ यारो का पेपर भी उसी प्रकार से होगा कि एक ही पेपर में आपको अब रीजनिंग मैथ जितना भी होता है सब एक में डाल दिया जाएगा जो सिलेबस में दिया जाता है। वैसे जीएस का एक पेपर अलग होता था और उसके साथ हिंदी का अलग होता था, बट अब हिंदी और जीएस को एक में इंक्लूड कर दिया है। अब हम थोड़ा मेन सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देखिए मुख्य परीक्षा के बारे में भी थोड़ा चर्चा यहाँ पर की गई है। यह कहा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम विज्ञापन संख्या इतने दिनांक यानी यहाँ पर दिया गया है कि 9/12/2023 के अनुसार यथावत वही रहेगा, अर्थात कि जो मुख्य परीक्षा होती थी वो तो जैसी होती है वैसे ही रहेगी, केवल यह बदलाव प्री परीक्षा में किया गया है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यथावत रहेगी यानी जो पहले होती थी उसी प्रकार से अभी रहेगी, और प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के विषयों के संगत पाठ्यक्रम यथावत रहेगा, यानी पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव केवल इतना हुआ है कि पहले जो पेपर दो शिफ्टों में होता था और दो अलग अलग पेपर हुआ करते थे, अब एक शिफ्ट में पेपर होगा और एक ही पेपर होगा, बस इतना बदलाव हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।